Hey everyone, this is Ankush and welcome back to my YouTube channel Rehab with Ankush. So guys, वीडियो को थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो है बैक पेन पार्ट टू। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, इससे पहले मैं एक वीडियो कवर कर चुका हूं बैक पेन पार्ट वन। सो गाइज प्लीज उस वीडियो को जरूर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसको फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल बैक पेन से सिर्फ डिस्क तक की कंडीशन को। सो दोनों वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि हर एक न्यू वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैक पेन की वर्स्ट होती कंडीशंस को। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं ये वीडियोस पार्ट्स में इसलिए डिवाइडेड हैं क्योंकि हर वीडियो को फॉलो करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे पहला जो पार्ट है वो आपको फॉलो करना है 10 to 15 days, और रही बात इस वीडियो की, ये आपको फॉलो करना है 20 दिन के लिए। ये वीडियो को आप कैसे फॉलो करेंगे, इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा प्लस जो पहला वाला पार्ट है उस वीडियो की एक्सरसाइज, इन दोनों वीडियोस की एक्सरसाइजेस को आप कंबाइन करेंगे, देन आप 20 डेज के लिए इसको फॉलो करेंगे, राइट। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। आर्म्स जो रहेंगे हमारे शोल्डर लेवल पे, और आपका एक पैर यहाँ से बेंड होगा फोल्ड होके देन साइड में। आप इसको जमीन पर से टच नहीं करेंगे, आपको हवा में रखना है इसको, और नेक अपोजिट साइड। दस सेकंड का आपको होल्ड करना है, देन चेंज योर साइड, नेक अपोजिट साइड। आपको लोअर बैक में फील होगा, हल्का सा बर्स में फील होगा। 10 काउंट करने के बाद देन चेंज योर साइड। सो गाइस ये एक्सरसाइज आपको 10 ईच साइड करना है, 10-10 सेकंड का होल्ड करके, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज रहेगी, सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, वो रहेगी आपका जो हाथ रहेगा वो आपके शोल्डर ब्लेड के जस्ट नीचे, ठीक है। और हाथ की जो चौड़ाई होगी वो होगी आपके अकॉर्डिंग टू शोल्डर्स, और जितने विड्थ आपके हाथ की होगी उतनी विड्थ आपके लेग्स की होनी चाहिए पीछे से, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। और एक हाथ को आप स्ट्रेट करेंगे, देन ऑल्टरनेट पैर को आप सीधा। योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, देन चेंज योर साइड, हाथ चेंज हो जाएगा और अल्टरनेट पैर आपका एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। सो गाइस इस एक्सरसाइज की भी हम लोग 10 ईच साइड करेंगे। एक बार लेफ्ट अगर आपने हाथ लिया तो आपका राइट पैर रहेगा, राइट आपने हाथ लिया तो लेफ्ट आपका पैर रहेगा। सो ऑल्टरनेट हाथों पैर को यूज करते हुए 10-10 टाइम्स आप ये रिपीटेशंस को कंप्लीट करेंगे, और 10 टाइम्स आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो अब हम करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में भी ले डाउन ऑन योर बैक, हाथ को जो है हम हमारे बट्स के नीचे रखेंगे, राइट, और दोनों जो पैर हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे, और जमीन से 5 या 6 इंच ऊपर हम लोग उसको होल्ड करेंगे, और जो हमारे पंजे रहेंगे वो आगे की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। सो होल्ड, सिर को आप नॉर्मली रिलैक्स रखेंगे, आप 10 सेकंड करेंगे इसको होल्ड, देन रिलैक्स, 10 सेकंड रिलैक्स, देन फिर उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो ये बेसिकली आपको आपके जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके लोअर एब्डोमिनल पे ज्यादा फोकस रहेगा, बट आपको बैक में भी हल्का हल्का फील होगा, ठीक है।
एज आई सेड बिफोर कि एब्डोमिन भी हमारा कोर का हिस्सा है, एब्डोमिन, पेल्विक और आपका इरेक्टर स्पाइनल, तीन चीजों से मिलकर कोर बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी, फोर्थ एक्सरसाइज, उसके लिए हमें ले डाउन ऑन योर बेली, ऐसे लेट जाएंगे और आपको एक हाथ और एक पैर ऑल्टरनेट ऊपर हवा में करना है, लाइक दिस। नॉर्मल सिर को आप रिलैक्स रखेंगे, कोर फॉर 10 सेकेंड एंड देन चेंज योर साइड, लेफ्ट हैंड राइट पैर ऑल्टरनेट, तो इस एक्सरसाइज को भी हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हमने ऐसे चार एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचती है वो हम लोग करेंगे ब्रिज। आप आपको पैर को फोल्ड करेंगे, नॉर्मली रखेंगे, हाथ आप कहीं पे भी रख सकते हैं, साइड पे भी रख सकते हैं और आपके चेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। सो आपको बेसिकली अपने पर्स को ऐसे ऊपर करना है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज, आप बहुत इजी लिस्ट कर सकते हैं। सो इसका जो आपका होल्ड करना है, होल्ड करने का टाइम है वो रहेगा 30 सेकेंड्स। सो 30 सेकेंड्स आप इसको होल्ड कीजिए, 20 to 30 सेकेंड्स आप इसको होल्ड कीजिए, देन रिलैक्स। Then after 10 to 15 second का rest लेने के बाद do it again and try to squeeze your butts, then relax. So guys, ऐसे हम लोगों ने 5 exercises complete करी। So ये था हमारे आज की 5 exercises। So आप लोगों को ये 5 exercises कैसे करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो इसका पहला पार्ट है बैक पेन पार्ट 1, उसमें जो हमने एक्सरसाइजेस करी थी वो हमने फर्स्ट 10 टू 15 डेज के लिए फॉलो करी थी। अब उस 10 या 15 डेज के फॉलो करने के बाद जब हम इस वीडियो की बात करेंगे, सो इस वीडियो में जो हमने 5 exercises करी हैं वो हम कंबाइन करेंगे पहले की 5 exercises के साथ, राइट। तो ऐसा करके हमने टोटल 10 exercises कर ली हैं। सो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस वीडियो के साथ हमने कंप्लीट करा है हमारे नॉर्मल बैक पेन को। सो नॉर्मल बैक पेन से मेरा यहाँ मतलब क्या है, जो कि हम नॉर्मली हमारे सिटिंग पोस्चर की वजह से, हमारी बैड हैबिट्स की वजह से जो पेन हमें होता है, हम लोग सिटिंग जॉब करते हैं ऑफिस में, तो एक नॉर्मल जो पेन विदाउट इंजरी, जो कोई आपने कोई वेट लिफ्ट नहीं किया है उसकी वजह से आपको कोई इंजरी नहीं है, बस नॉर्मली आपके पोस्चर्स और आपकी गलत हैबिट्स की वजह से आपको जो इंजरीज होती हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत आराम देगी। आप 30 डेज का ये टोटल प्रोग्राम रहेगा, सो आप इसको फॉलो कीजिए। देन इस वीडियो के बाद हम बोल सकते हैं हमारी स्टार्टिंग होगी स्लिप डिस्क के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए। सो उन लोगों को भी पहले 30 डेज का ये प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद स्पेशल जो भी उनके लिए अलग से एक्सरसाइजेस रहेंगी, जो पर्टिकुलर चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे, जैसे हमारी कोर पे फोकस करेंगे, दोनों स्टेबलाइजर से कोर और रोटेटर का, बट्स पे क्या कैसे फोकस करेंगे, एब्डोमिन पे कैसे फोकस करेंगे, लोअर बैक पे कैसे फोकस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, राइट। आज के फैक्ट का, सो हमने बचपन से सुना है कि अगर आप हेड शेव करते हैं तो आपके लंबे और घने बाल आ जाएंगे, और अगर आप बचपन में रेजर का यूज़ करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ है वो जेनेटिकल मामला है, और जो हमारे हेयर फोलिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन के बहुत अंदर तक होते हैं, सो शेविंग करने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन हमने सुना होगा कि अगर एक सफ़ेद बाल हम तोड़ देते हैं तो उसकी जगह पे 9 से 10 सफ़ेद बाल आ जाते हैं, बट ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये सारा जेनेटिकल मामला है। सो गाइज, इसी के साथ आज का सेशन जो है वीडियो का कंप्लीट होता है। सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।